हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट टाइम पर हम लोगों का चल रहा था मेथड ऑफ इमेजेस के अंदर किसी कंडक्टिंग ग्राउंडेड स्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फील्ड को हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे। आज हमारा टॉपिक है उसके आगे फर्दर केस नंबर सेकेंड का, राइट, जहां पर हमने कंप्लीट किया था इससे पहले केस नंबर फर्स्ट, विच वॉज दैट वेन द कंडक्टिंग स्फेयर इज ग्राउंडेड, राइट। मतलब कि जब कोई कंडक्टिंग स्फेयर है वो अगर ग्राउंडेड होता है तो उसकी कंडीशन में किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। वहाँ हमने फोर्स निकालना सीखा था, फोर्स के साथ साथ में ही वहाँ चार्ज डेंसिटी के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा नया टॉपिक है उसका नेम है व्हेन द कंडक्टिंग स्फेयर इज इंसुलेटेड, राइट। मतलब कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर जो कंडक्टिंग स्फेयर है वो कैसा है, एक इंसुलेटेड स्फेयर है। अब सबसे पहले हम इस वाले टॉपिक से क्लियर करते हैं कि अगर कोई भी स्फेयर जो कंडक्टिंग है वो इंसुलेटेड है उसका मतलब क्या है। सो स्टूडेंट्स, देखिए, अब तक आपने देखा कि अगर कोई एक स्फेयर था, ठीक है, जब इस स्फेयर के पास में एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ था क्यू, जो कि स्फेयर कैसा था, कंडक्टिंग था, तो हमने देखा था कि इस क्यू चार्ज की वजह से इस स्फेयर की सरफेस पर जो चार्ज होता है वो कैसा आ जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाता था, और इस माइनस की वजह से यहाँ पे किसी पॉइंट बी पर हमने लेट किया था कि जो इमेज चार्ज था क्यू डैश बराबर वो हमने निकाला था कितना था, क्यू आर बाई डी के इक्वल था, राइट। उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया था, ग्राउंडेड कर दिया था, तो हमने वहाँ पढ़ा था केस नंबर फर्स्ट। आज हमारा इस टॉपिक में है कंडक्टिंग, तो स्फेयर है ही है हमारे पास, लेकिन वो कैसा है, इंसुलेटेड है, और इंसुलेटेड का मींस है कि अगर इस ग्राउंडेड की कंडीशन को इस बार क्या कर दी जाए, हटा दी जाए, मतलब कि ये जो कंडक्टिंग स्फेयर है वो इस टाइम ग्राउंडेड नहीं है, तो ये वर्क कैसे करेगा, इंसुलेटेड की तरह वर्क करता है। अब जब ये इंसुलेटेड की तरह वर्क करता है तो उसके पास में हमारे लिए बहुत सारी कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं। तो सेटिस्फाई कंडीशन कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले हम लोग बाउंड्री कंडीशन देखते हैं। बाउंड्री कंडीशन में जब ये कंडक्टिंग स्फीयर इंसुलेटेड है तो बाउंड्री कंडीशन के लिए, इससे पहले हमने देखा ग्राउंडेड के अंदर यहाँ इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल था वो कैसा था, V इज इक्वल टू जीरो के इक्वल था, लेकिन ये इंसुलेटेड है तो इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, एक समान होगा, या फिर हम कहेंगे एक वैल्यू जो होगी वो सब जगह एक कांस्टेंट पोटेंशियल की टर्म होगी, राइट। तो एक बाउंड्री कंडीशन फिक्स हो गई है कि यहाँ पर इसकी सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो कैसा है, इक्वली है। और सेकंड थिंग कि इन्फिनिटिव डिस्टेंस पर तो हमारे पास पोटेंशियल हम जानते ही हैं कि वो कैसा लेना है, हमें ज़ीरो लेना है। सो स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करा इसके लिए, हमने कहा कि कंडक्टिंग स्फेयर इज इंसुलेटेड, कंडक्टिंग स्फेयर इज इंसुलेटेड। सो इसके लिए हम देखते हैं बाउंड्री कंडीशन। यहां पर इसकी जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो हमने कहा फर्स्ट कौन सी होगी कि इंसुलेटेड के लिए इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो कैसा होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या फिर यूनिफॉर्म होगा। तो फर्स्ट कंडीशन है पोटेंशियल ऑन द
स्फेरिकल सरफेस इज यूनिफॉर्म, मतलब कि इस स्फेरिकल सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो यूनिफॉर्म है। और सेकंड जो पॉइंट है हमारे पास वो है पोटेंशियल जीरो होगा कब, फोर आर स्टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब कि इन्फिनिटिव डिस्टेंस के लिए हमारे पास में जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, जीरो के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ तक की कंडीशन हुई बाउंड्री कंडीशन के लिए, जहाँ हमने देखा कि बाउंड्री कंडीशन में ये दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। थर्ड एक कंडीशन हम इसके अंदर नहीं देखते हैं आज, वो कंडीशन जो है थर्ड वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए कि जो हम इंसुलेटेड की बात करते हैं, इंसुलेटेड का मतलब है कि जो ये स्फेयर है आपके पास में उस पर नेट चार्ज कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, राइट। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे इसके अंदर चार्ज कितना है, ये चार्ज है जो कितना है क्यू डैश है, मतलब माइनस क्यू आर अपॉन डी। अब हम जानते हैं इसके अंदर नेट चार्ज कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अगर इसके अंदर नेट चार्ज जीरो होना चाहिए तो उसके लिए हम एक कंडीशन अपने अकॉर्डिंग मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, हम यहाँ पर एक नया चार्ज मान लेते हैं जिसको नाम देते हैं क्यू डबल डैश, राइट। कहाँ माना है हमने, इस स्फेयर के सेंटर पर कोई चार्ज मान लिया क्यू डबल डैश, वो कितना आ गया प्लस में क्यू आर बटे में डी। अब देखिए अब इसके अंदर जो चार्ज है वो नेट कैसा है, प्लस क्यू आर बाई डी माइनस क्यू आर बाई डी, मीन्स नेट चार्ज ऑन दिस स्फेयर इज जीरो। तो हम ये कह सकते हैं इसकी जो थर्ड कंडीशन है बाउंड्री कंडीशन के लिए वो ये भी होनी चाहिए, द नेट चार्ज ऑन द कंडक्टर रिमेन्स जीरो, राइट। कि जो ये नेट चार्ज है इस कंडक्टर पे वो कैसा होना चाहिए हमारे पास में, जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो हम इसके लिए लिख देते हैं, यहाँ पे इसके लिए जो लिखना है हमें टर्म्स इस तरीके से लिख सकते हैं, टू सेटिस्फाई बाउंड्री कंडीशंस कॉन्स्टेंसी ऑफ पोटेंशियल ऑन स्फेयर एंड जीरो नेट चार्ज ऑन द कंडक्टिंग स्फेयर, राइट। मतलब कि बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये जो स्फेयर है उस पर पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए और नेट चार्ज जीरो होना चाहिए इस कंडक्टिंग स्फेयर पे। सो लेट्स इमेजिन अ फर्दर चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन डी टू बी सेटिस्फाइड विच इज सिचुएटेड एट सेंटर ऑफ स्फेयर। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि हम अब एक नया चार्ज इमेजिन करते हैं q डबल डैश जो कितना है क्यू आर अपॉन डी है, जिससे कि हम इस पर नेट चार्ज ये देख सकते हैं कि नेट चार्ज ऑन दिस स्फेयर विल बी जीरो, राइट। तो स्टूडेंट ये हमने कोई कंडीशंस बना दी हैं बाउंड्री कंडीशंस के लिए। आपको ध्यान रखना है जब हम इंसुलेटेड के लिए टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ पर उसके सरफेस की स्फेयर
ये जो स्फीयर के सरफेस हैं वहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, और इसके अंदर जो नेट चार्ज है वो कैसा होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन हमारे पास में फिक्स होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं और इसके बाद में हम इसमें पोटेंशियल और फोर्स इन सब की वैल्यूज़ को फर्दर फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम इंसुलेटेड वाले डायग्राम को अगेन बनाते हैं, और हमने देखा यहाँ पे कि ये एक स्फेयर है जहाँ पर इससे एक डी डिस्टेंस पर प्लस क्यू चार्ज है, जहाँ ये सेंटर ओ है, ये वाला पॉइंट नंबर ए है, जिसकी डिस्टेंस हमारे पास में दे रखी होती है डी। ये हमने लास्ट पॉइंट पर भी इसे हमने डी ही सपोज किया था। देन यहां हमारे पास बी पॉइंट पर एक चार्ज है जिसे हमने कहा क्यू डैश, राइट। साइड में लिख देते हैं कि क्यू डैश की वैल्यू है माइनस क्यू आर अपॉन में डी। यहाँ नेट चार्ज जीरो होता है, इस वजह से यहाँ हमने क्या माना, क्यू डबल डैश। तो क्यू डबल डैश कितना आ जाएगा, प्लस क्यू आर अपॉन में डी के इक्वल। अब ये जो डिस्टेंस है ओ से बी तक की, वो डिस्टेंस है हमारे पास बी, जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट पहले ही कर चुके हैं कि बी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन में डी के इक्वल होता है। अब हमारे पास में इस सिचुएशन पर जब हम इंसुलेटेड के लिए पढ़ रहे हैं, तीन चार्जेस आ गए, प्लस क्यू, क्यू डैश एंड क्यू डबल डैश। सो स्टूडेंट्स, जहां अगर हम लोगों को यहां कोई पॉइंट माना पी जिसका कोऑर्डिनेट है आर कोमा थीटा, सपोज दैट यहां हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो हमें सबसे फर्स्ट किसकी वजह से करना है, क्यू की वजह से। ये डिस्टेंस ली हमने जिसको एक नाम दे दिया डिस्टेंस आर वन। फिर हमें क्यू डैश की वजह से देखना होगा, तो जिसके लिए हमें कहाँ देखना है, पॉइंट पी पर, जिसे हमने नाम दे दिया आर टू। एंड सेकंड हेयर वी सी, अगर हमें क्यू डबल डैश है, ये आर है, ठीक है, ये क्या है, आर है, तो हम लोगों ने इसे नाम दे दिया, ये क्या है, आर है, जहां पर हमारे पास ये टर्म कितनी है, थीटा के इक्वल है। और ये जो पॉइंट है इसको लेट कर लिया पी डैश। तो हमने कहा क्यू डबल डैश से पी पॉइंट की डिस्टेंस आर, क्यू डैश से पी पॉइंट की डिस्टेंस आर टू, प्लस क्यू चार्ज से पी की डिस्टेंस आर वन दे रखी है। अब हमें P पॉइंट पर क्या देखना है, पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम पहले देखते हैं पोटेंशियल ऑन द सरफेस ड्यू टू Q डबल डैश। अगर इस Q डबल डैश की वजह से हमें पोटेंशियल P डैश पर देखना है, तो हम इसको कैसे देखते हैं स्टूडेंट्स, आपको याद है हम सरफेस पे कैसे निकालते थे, Q इज इक्वल टू सी वी से निकालते थे। तो पोटेंशियल ऑन द सरफेस ड्यू टू क्यू डबल डैश, तो क्यू डबल डैश की वजह से सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, आप लोग जानते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फाइ इज इक्वल्स टू चार्ज एट सेंटर डिवाइडेड बाय कैपेसिटी ऑफ स्फीयर। तो इसे हम देखते हैं कि चार्ज सेंटर पर कितना है, क्यू डबल डैश, मतलब कि क्यू आर अपॉन डी। और कैपेसिटी आपने देखा था, आपने 12th क्लास में भी निकाल कर आए हैं कि सी जो है किसी स्फेयर की वो कितनी होती है, 4 पाई एप्साइलन नॉट, और उसकी रेडियस कितनी है, लेट इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। तो 4 पाई एप्साइलन नॉट आर, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 1/4πε0, और यहाँ पे बच गया सिर्फ q/d, क्योंकि इससे r से r कैंसिल हो गया है, राइट। तो ये हम लोगों ने फाइंड किया क्या है, पोटेंशियल किसकी वजह से, q डबल डैश की वजह से।
अब हम पी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, तो पोटेंशियल निकालते हैं एट पॉइंट पी, राइट। पॉइंट पी पर इन तीनों चार्जेस की वजह से निकालते हैं, तो वो कितना हो जाएगा अगर हम इस पोटेंशियल को फाई से डिनोट करें, फाई पी इज इक्वल टू होगा हमारे पास किसी भी पॉइंट डिस्टेंस की, पॉइंट चार्ज की वजह से किसी दूर पे डिस्टेंस होता था तो हम पोटेंशियल कैसे लिखते थे, के क्यू अपॉन आर लिखते थे। तो यहाँ ये कितना हो जाएगा के क्यू, इसकी वजह से आर वन प्लस के ये वाला क्यू डैश अपॉन में आर टू प्लस के क्यू डबल डैश अपॉन में आर ये वाला। तो ये हमारे पास में कितना आता है, फाइ पी इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्साइलन नॉट क्यू अपॉन आर वन, वन अपॉन फोर पाई एप्साइलन नॉट क्यू डैश अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन फोर पाई एप्साइलन नॉट क्यू डबल डैश अपॉन में आर। तो हमने यहाँ क्या देखा, ये किस चीज की वैल्यू आई है, एक पोटेंशियल की वैल्यू आई है, कहाँ पर, पॉइंट पी पर आई है। अब इसको फाइंड आउट करने के बाद में हम पोटेंशियल ऐसे निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं, ये जो तीन चार्जेस हैं उसकी वजह से जो फोर्स है वो कितना अप्लाई होगा, तो हम फोर्स देखते हैं। देखिए ये जो चार्ज है माइनस है, ये प्लस है, ये वाला कैसा है, प्लस है। अगर हम यहाँ पे प्लस क्यू पर अगर हम नेट फोर्स निकालते हैं तो देखिए ये कैसा आएगा, तो आपके पास में माइनस है, ये प्लस है, ये अट्रैक्ट करेंगे तो इसकी डायरेक्शन इस साइड, ये प्लस इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो स्टूडेंट इस पर जो नेट फोर्स है वो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आ जाएगा। तो हम देखते हैं नेट फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज विल बी, तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फोर्स बिटवीन द स्फेयर एंड द पॉइंट चार्ज, तो कितना होगा आपके पास में, इसकी वैल्यू होगी फोर्स विल बी वहां पर पॉइंट चार्ज पर वन अपॉन में फोर पाई एप्साइलन नॉट क्यू क्यू आर अपॉन डी डिवाइडेड बाय, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी का स्क्वायर, और वो कितना, डी माइनस बी का होल स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो डी माइनस बी कितना है, आर स्क्वायर अपॉन डी का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्साइलन नॉट क्यू क्यू आर अपॉन डी, और ये कितना हो जाएगा, डी का स्क्वायर। सो अब हमने यहाँ पे देखा दोनों साइड से वन अपॉन फोर पाई एप्साइलन नॉट को कॉमन लेते हैं तो ये बना क्यू स्क्वायर आर डी अपॉन डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिसमें यहाँ पे इसको भेज दिया, माइनस क्यू स्क्वायर आर अपॉन में डी टू दी पावर थ्री आ गई हमारे पास। जब हम इसको अगेन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आएगी वन अपॉन फोर पाई एप्साइलन नॉट क्यू स्क्वायर आर अपॉन डी की पावर थ्री वन अपॉन वन प्लस आर स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर माइनस वन। तो ये आया हमारे पास में क्या, एक फोर्स की टर्म, किसके रिगार्डिंग, जब दोनों स्फीयर पे जो चार्ज हैं और पॉइंट चार्ज की वजह से हमारे पास में ये आई फोर्स की वैल्यू। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सरफेस डेंसिटी पर, या फिर हम बोलेंगे इंड्यूस चार्ज। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में सरफेस डेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज, राइट। तो अभी हमने जो लास्ट पॉइंट पे देखा, जो डायग्राम देखा था, वहां हमारे पास सेंटर था जहां प्लस क्यू आर अपॉन डी था, फिर एक पॉइंट था जहां माइनस क्यू आर अपॉन डी था,
और एक पॉइंट चार्ज था Q, जहाँ ये दोनों की डिस्टेंस d थी, इन दोनों की डिस्टेंस b थी, राइट? हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, हमारे लास्ट वाले लेक्चर में इस प्लस क्यू की वजह से और माइनस क्यू आर अपॉन डी की वजह से निकाल चुके थे, राइट? हमने मतलब इसकी दोनों की वजह से तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे लास्ट लेक्चर पे निकाल ली थी, लेकिन हमने इसकी वजह से नहीं निकाली क्योंकि ये इंसुलेटेड में सिर्फ हमारे पास आज ही आया है। तो इसके लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको अगर हम सिग्मा वन मान ले, इसकी वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा टू मान ले और उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आती है, नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू आती है। तो हमने लिखा एज सरफेस चार्ज डेंसिटी एट पी डैश, पी डैश पे देखते हैं अगर हम, ठीक है, मतलब पी डैश कौन सा है, स्फीयर के सरफेस पर, लिख देते हैं इसके लिए ऑन सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू एंड इमेज चार्ज माइनस क्यू अपॉन आर डी इज, मतलब इन दोनों चार्ज की वजह से पी डैश पर। तो आप लोग आपका लास्ट पॉइंट जो लास्ट टॉपिक था केस फर्स्ट उसके अंदर देख सकते हैं, वहां हमने निकाला था सिग्मा वन बराबर माइनस में क्यू अपॉन फोर पाई आर डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ ये ए पी डैश की वैल्यू थी, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस टू आर डी कॉस थीटा की पार थ्री बाई टू। तो ये आया हमारे पास सिग्मा वन। अब हम देखते हैं सिग्मा टू की वैल्यू। सिग्मा टू क्या है आपके पास में, ये चार्ज है प्लस क्यू आर अपॉन डी, इसकी वजह से इंड्यूस चार्ज डेंसिटी देखनी है। तो स्टूडेंट आपको मालूम है सिग्मा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नेट चार्ज अपॉन में एरिया, ठीक है। तो ये चार्ज कितना है, प्लस क्यू आर अपॉन में डी, और एरिया कितना है हमारे पास, इस वाले सरफेस का एरिया, राइट? तो वो कितना है, फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, जब आर से आर कैंसिल होगा तो ये कितना बच गया, क्यू अपॉन फोर पाई आर डी बच गया, राइट? तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, सिग्मा टू की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा वन और सिग्मा टू को ऐड कर देते हैं। तो अब हमने देखा हमारे पास क्या आया, सिग्मा वन और सिग्मा टू, तो नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी इन दोनों को ऐड करने पे मिल जाएगी। सो हमने देखा हैंस सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू। सिग्मा वन हमारे पास था क्यू डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर पाई आर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस टू आर डी कॉस थीटा की पार थ्री बाई टू प्लस क्यू अपॉन में फोर पाई आर डी। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई है बच्चों, सिग्मा की वैल्यू आ गई है। तो सिग्मा क्या है हमारे पास में, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अब देखिए यहाँ कॉस थीटा की अगर टर्म हम एंगल चेंज करके रखते हैं तो हम नई नई टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको पता है अगर यहाँ पर सेंटर जहाँ यहाँ पे क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू आर अपॉन डी है या माइनस क्यू आर अपॉन डी है, राइट? अगर स्टूडेंट्स अगर हम जहां यहाँ पे P पॉइंट पर इसे हम थीटा कह रहे थे, राइट? अगर ये थीटा जीरो हो जाए, मतलब हम P पर बात ना करें, R की बात कर रहे हैं, मतलब हम स्फेयर के अंदर ही बात कर रहे हैं, स्फेयर की सरफेस पे बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ एक पॉइंट मान लेते हैं अपने मन से P1 और इधर कह देते हैं P2, तो
P1 के लिए ये थीटा कैसा होगा? जीरो। P2 के लिए ये थीटा कैसा हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक, तो मतलब यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग आएगी और यहाँ अलग आएगी, बिकॉज इट इज डिपेंड ऑन ओनली थीटा। सो वी सी दैट सबसे पहले हम इसको पॉइंट P1 के लिए निकालते हैं। तो हमने देखा एट पॉइंट P1 नियरेस्ट टू प्लस क्यू ऑन द स्फेयर द सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी P1 के लिए कैसी हो जाएगी? जहां थीटा कैसा है? जीरो, मीन्स कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 1। सो अप्लाई दिस वैल्यू इन दिस टर्म, वी सी सिग्मा P1 विल बी, ये एज इट इज आ जाएगा माइनस क्यू डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन, ये एज इट इज 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस कॉस थीटा 1 हो गया, सो 2 आर डी 3/2 प्लस क्यू अपॉन 4 पाई आर डी आ गया, राइट। इसके बाद हम देखते हैं ये जो इक्वेशन है ये क्या बन रही है, आर माइनस डी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर के 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये क्या बन जाएगा, क्यूब। तो सिग्मा P1 इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई आर डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और ये बन गया आर माइनस डी का होल क्यूब प्लस क्यू अपॉन 4 पाई आर डी के फॉर्म में बना दिया, राइट। आगे हम देखते हैं इसके अंदर कि अगर यहां से वैल्यूज को कॉमन ले लिया क्यू अपॉन 4 पाई आर को, तो माइनस में ले लेते हैं क्यू अपॉन 4 पाई आर, दिस विल रिमेन ओनली डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर माइनस डी टू दी पावर 3 माइनस 1 अपॉन डी के फॉर्म में बच गई। अब हमने देखा यहां से कि माइनस क्यू अपॉन 4 पाई आर, यहां वैल्यू बन जाएगा डी प्लस आर डी माइनस आर, एक वैल्यू से इसकी एक टर्म को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, और इसको d माइनस आर का चाहे होल स्क्वायर कर देते हैं हम, क्योंकि हमें मालूम है स्क्वायर के फॉर्म में प्लस और माइनस, माइनस का स्क्वायर हो चाहे प्लस का स्क्वायर हो वो वैल्यू कैसी आएगी, सेम ही आएगी। तो आपने देखा यहां बनाया d प्लस आर और ये कितना है d माइनस आर, राइट, होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में d आ गया। सो देयर विल बी, हमने एलसीएम लिया इसके फर्दर, तो हमने देखा सिग्मा P1 विल बी माइनस क्यू अपॉन में 4 पाई आर, इसका लिया एलसीएम तो ये क्या बन गया डी माइनस आर का होल स्क्वायर डी, यहां बना ये डी का स्क्वायर प्लस आर डी माइनस डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर के फॉर्म में, राइट। सो यहां ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, तो माइनस क्यू अपॉन 4 पाई आर, ये बन गया 3 आर डी माइनस आर स्क्वायर अपॉन डी माइनस आर का होल स्क्वायर एंड ये बन गया डी के फॉर्म में। अब हमने देखा कि सिग्मा P1 की जो वैल्यू है वो आर से यहां पे, अगर हम R कॉमन लेते हैं तो इस R से ये R कैंसिल हो जाएगा, तो हम देखते हैं इसकी जो टर्म आएगी वो, तो इसकी वैल्यू आई यहाँ पे माइनस क्यू अपॉन में 4 पाई 3 डी माइनस आर अपॉन में डी डी माइनस में R का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास में हमने देखा कि जो P1 है वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू ये रहती है, ठीक है। अब इसी तरीके से इस वाली टर्म को यूज करके हम
P2 पर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और आप देखेंगे जब हम इसको P2 पर फाइंड आउट करेंगे तो वहां cos 180 के लिए हम वैल्यू रख देंगे, राइट। तो देखिए, सो सिग्मा P2 विल बी, देखिए सिग्मा P2 के लिए थीटा कितना है, 180 डिग्री है, जहां 180 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, -1 आएगी। तो हमारे पास जो सिग्मा था उसकी वैल्यू थी -q d² - r² / 4πr r² + d². यहां था -2rd cos थीटा, तो -2rd cos थीटा, cos थीटा की बजाय 180 रखेंगे तो ये हो जाएगा +2rd³/2 +q/4πr² के फॉर्म में ये आ गई। नाउ सिग्मा P2, जब P2 के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला बन गया हमारे पास R प्लस में D का होल स्क्वायर, जिससे स्क्वायर से ये कैंसिल और ये बच गया 3, तो आ गया -q/4πr² - r² एंड दिस विल बी r + d² / 3 +q/4πr² के फॉर्म में। अगेन हमने यहां से वैल्यू कॉमन ले ली है तो सिग्मा P2 विल बी बिकम q/4πr माइनस में कॉमन, तो ये बना d² - r² / d³³ - 1/d के फॉर्म में ये आ गई है। अगेन स्टूडेंट्स, यहां ये बना r + d r - d, 1+ से इसका ये कैंसिल, तो हम देखेंगे इसकी वैल्यू आई -q/4πr d - r r + d² - 1/d के फॉर्म में। तो यहां पर हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि सिग्मा P2 की जो वैल्यू है आया आपके पास q/4πr, और यहां से इनको एलसीएम वगैरह अगर हम लेते हैं तो हमने देखा कि इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आती है 3rd + r² / d r + d² सो स्टूडेंट्स, हमारे पास में इसकी वैल्यू आएगी, ये देखिए ये हमेशा कैसी वैल्यू है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, राइट। यहाँ ये माइनस सिग्मा ये चार्ज की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है सिग्मा P2 की वैल्यू विल बी पॉजिटिव ऑलवेज, राइट, एंड सिग्मा P1 विल बी नेगेटिव ऑलवेज। मतलब कि हमने अभी सिग्मा P1 देखा और सिग्मा P2 देखा, तो सिग्मा P2 की जो वैल्यू है वो हमेशा हमारे पास कैसी होगी, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, जबकि सिग्मा P1 की वैल्यू हमारे पास कैसी होगी, एक नेगेटिव वैल्यू होती है, राइट। तो स्टूडेंट, हमें यहाँ से पता चला कि अगर एक ही स्फीयर जहाँ पर ये जो P1 है जो चार्ज Q के पास में है, ये P2 है जो चार्ज Q के से दूर है, इस P1 पर जो चार्ज डेंसिटी है वो हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव, और यहाँ हमारे पास में कैसी होगी स्टूडेंट्स, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, राइट। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मतलब यहाँ से इसका मान जो है या इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जा रही है यहाँ तक के सिग्मा चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो चार्ज डेंसिटी है वो हर पॉइंट पर चेंजेस होती रहती है, तो इसकी वजह से हमारे पास में हम ये देख सकते हैं कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो इसके अंदर कोई ना कोई पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पर ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन की वैल्यू है वो कैसी होगी, एक जीरो वैल्यू होगी, राइट। तो अभी जैसे नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से हमें पता चला कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू जीरो होगी, जिसे हम देखते हैं कल हमारे
इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि केस सेकंड का ही पार्ट रहेगा, जहां हम सिर्फ इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन की वैल्यू को ही देखेंगे. ओके, थैंक यू.